तो दोस्तों आगे आप सभी लोग, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसी वीडियो को ऐसा कैसे करें। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर के अंदर कलर करेक्शन करते हैं। तो कलर करेक्शन करने के लिए अपनी वीडियो का कलर कैसे चेंज करें, ड्रेस का कलर चेंज करें, अगर कलर नॉर्मल है तो उसको डार्क कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करते हैं ये जानने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में कलर करेक्शन करने वाले हैं फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर के अंदर। और फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर के और भी कोर्सेज के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अगर चेक करना चाहते हैं किसी को भी तो आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं गुलशन, स्वागत है आप सभी का माई टेक्निकल सीरीज चैनल में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो चुका है, अब हमें इसके अंदर अपनी वीडियो को इंपोर्ट करना है। आपकी जो भी वीडियो हो, जहाँ भी हो, उसको आपको यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना होगा। और ये जैसे ओपन हो जाता है यहाँ पर, आपको इसे किसी भी वीडियो टाइम लाइन पर लाके ड्रॉप कर देना होगा। जैसे ये टाइम लाइन 1 पर ही हम इसको कर रहे हैं, और फिर हम इसके ऑडियो को डिटैच कर लेंगे क्योंकि हमें केवल वीडियो का ही कलर करेक्शन करना है, ऑडियो का तो कलर करेक्शन होता नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको डिटैच किए बिना ही कर सकते हैं, पर आप डिटैच कर देते हैं ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर हम वीडियो टाइमलाइन को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑडियो को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। और वीडियो को जैसे आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे कलर का आइकन मिलेगा, और यहाँ पर कलर पे आपको क्लिक करना होगा, फिर आपका कलर करेक्शन पेज ओपन हो जाएगा। हम तो इसको क्लोज करेंगे, और आप इसको एक तरीके से और भी ओपन कर सकते हो। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर कलर करेक्शन ऑप्शन है, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस कीजिए इसके अंदर, तब भी आप इसी पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कलर करेक्शन स्क्रीन ओपन हो गई है इसकी। हम जैसे ही अपने बटन को प्रेस करते हैं ये वीडियो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपका वीडियो प्ले होगा। यहाँ से आप इसको प्ले पॉज कर पाएंगे, और फिर यहाँ पर इसके प्रीसेट भी दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से कोई सा भी प्रीसेट भी अलग से ले सकते हैं। इसके अंदर दिए भी होते हैं और आप खुद से कस्टम भी कर सकते हैं। तो आर प्रीसेट में कस्टम फेवरेट, आपका जो भी प्रीसेट हो आप उसको बना सकते हैं। ये देखिए कॉमन प्रीसेट है। तो जैसा कि आपने इसके अंदर कोई सा भी गलत कर दिया, इसको आप वापस कैसे करेंगे, तो आपको उसके लिए यहाँ पे ओके के पास में एक रीसेट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर ये ऑल रीसेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, एडजस्ट वाले पे चले जाना होगा इसको, अगर हमें मैनुअली करना है तब। और फिर यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट रहने देना होगा, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो अभी ये काम नहीं करेगा, जब हम इसको सेलेक्ट रखेंगे तभी काम करेगा। ये देखिए इससे हो ये रहा है, आप ऐसे करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर हमारा कलर अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर व्हाइट का बैलेंस है, आप टेम्परेचर को डाउन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को तो इतना डाउन कर देते हैं, और इसकी टिंट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं कोई सा भी कलर। तो हम इसको नहीं करेंगे, इसको ग्रीन की साइड ले जाएंगे, जिससे कि कलर काफी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर 3D में आ जाएंगे, तो आप 3D के अंदर जो भी वीडियोस के शूट्स हुए रहते हैं और उसमें जो भी कलर करेक्शन यूज किया गया होता है, वो कलर करेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी वीडियो है, कोई भी वीडियो होती है, इसके अंदर मिल जाता है। कितने सारे इसके अंदर पहले से दिए हुए होते हैं, तो हम इसको नन रखेंगे, इसका हम यूज नहीं करेंगे। कलर्स में आप चले आइए, आप अपने हिसाब से एक्सपोजर को घटा बढ़ा सकते हैं, एक्सपोजर को हाई कर देंगे, और ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा हम इसके अंदर बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसको हम 4 कर दिए हैं, इसको 11 कर दिए हैं, और इसको ब्राइटनेस को 7 कर दिए हैं। और यहाँ पर इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जिस भी तरीके से आपको करना हो इसको। तो हम अभी थोड़ा सा डाउन करेंगे, और यहाँ पर सिचुएशन आप अपनी कैसी भी रख सकते हैं, कलरनेस हमें इसको रखना है। तो ये कलरनेस सिचुएशन आ रही है, और सबसे इसमें जरूरी जो चीज होती है ये लाइट होती है, इसके कलर्स होते हैं। और HSL के जब अंदर जब आप आते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने सारे कलर्स का, जैसे ये रेड
कलर का ड्रेस है, अब हमें इसको रेड कैसे करना है, तो आप यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, पर इसके साथ आपका स्किन का कलर भी चेंज होगा। हम इसको बीच में रखेंगे और थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, हमें इसको थोड़ा सा ही रखना है। और सिचुएशन में आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, इसको हम 2 कर दिए हैं, नहीं तो आप इसको नॉर्मल ही छोड़ सकते हैं, आपको अपने हिसाब से करना है, जिस भी तरीके का कलर वहां पे आपने यूज किया हो तो आप वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके नीचे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप राउंडनेस कोई भी दे सकते हैं, तो यहाँ से इससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें हमारे वीडियो का कलर करेक्शन अभी हो चुका है, हमारे वीडियो का कलर भी चेंज हो चुका है। आप यहाँ से कोई सा भी कलर इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर है अगर तो तभी भी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, जैसे ये कलर इसमें है ही नहीं तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर तो रेड कलर है तो रेड ही कलर चेंज होगा, इससे ज्यादा कलर्स नहीं चेंज होंगे। तो हमारी वीडियो का भी पहले से काफी अच्छा कलर करेक्शन हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा कि आप अगर इसी तरीके का प्रीसेट, अगर आप इसके लिए इस प्रीसेट को सेव भी करना चाहते हैं कि जैसे आप वीडियो को ओपन करें, डबल क्लिक करें, वो प्रीसेट उस पर अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर आपको सेव एज प्रीसेट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कोई भी नाम देना होगा। जैसे हम इसको कर देते हैं रेड शर्ट, तो इसके लिए हम इसको बना रहे हैं, अब हम इसको ओके कर देंगे, जैसे ही ये प्रीसेट इसके अंदर सेव हो जाएगा। और जो पिछली वीडियो है आप इसको देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा है और इसका कलर अभी कैसा हो चुका है। हम इसको अभी ओके करते हैं, जैसे ही तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से करते हैं कलर करेक्शन। अब आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी साइज पर, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितनी आसानी तरीके से हमने अपने वीडियो का कलर चेंज किया, और ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे लगी ये वीडियो, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।